हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। अभी हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरिएंट है जो कि इसका मिड वेरिएंट आता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी यही है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको सारे यूजफुल के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सनरूफ ऑफर हो जाती है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरिएंट है डीजल मैनुअल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इंजन ऑप्शंस के बारे में, प्राइस के बारे में। वीडियो के अंदर जरूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले में इसकी की के साथ में। ऐसी कुछ हमें की देखने को मिलती है फ्लिप की। पीछे की तरफ आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं लॉक का, अंडर लॉक का। जो ये थर्ड वाला बटन है ये आपको इस वजह से दिया जाता है, जैसे आप इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो ये गाड़ी अपने आप आवाज़ करने लग जाती है। वो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता क्योंकि शोरूम है। इस वजह से जैसे आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी है तो आप इसको होल्ड करके रखे हो तो आपकी गाड़ी आवाज़ करने लग जाएगी विद टर्न इंडिकेटर्स। बात कर लेते हैं अब हम इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में आपको ऑल ब्लैक में इसकी पूरी ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिस पर आपको महिंद्रा का लोगो भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिल्वर के इंसर्ट मिल जाते हैं, क्रोम के नहीं मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है जो कि इस हेडलैम्प को इस हेडलैम्प से जोड़ती है। अगर हेडलैम्प्स की बात करी जाए, इसमें आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपको दो दो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स मिल जाती है, मतलब पार्किंग लाइट्स मिल जाती है इस तरफ, और इस तरफ इसका टर्न इंडिकेटर आ जाता है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स ऑफर नहीं करे जाते हैं। यहाँ पे आपको एयर डैम्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे इसके नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, और जो इसके फ्रंट की स्किट प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर। इस वाले वेरियंट में आपको 17 inches के अलॉय व्हील्स ऑफर हो जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 245/65/R17 17 inches के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, फ्रंट में भी और रियर में, चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 187 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसके बड़े से और एम्स आ जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर, जिनको आपको फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअल ही करना होता है, लेकिन आप इसके मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ इसके रूफ रेल्स आ जाते हैं। साइड में आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, क्रोम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको जैसे टॉप वेरिएंट में आपको जो यहाँ पे कवर हुआ वो मिलता है, उसमें या इस वाले वेरिएंट में आपको वो चीज़ ऑफर नहीं करी जाती है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पर। अब हम आ चुके हैं इसके रियर प्रोफाइल पर। रियर में से काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है, बिग डैडी ऑफ एसयूवी लगती है। ऊपर की तरफ इसका शार्कफिन एंटीना आ जाता है, यहाँ पे बड़ा सा स्पॉइलर आ जाता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट देखने को मिल जाती है। विंडशील्ड पे आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको वॉशर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, नंबर प्लेट की जगह रियर कैमरा, डोर हैंडल इसका इस तरफ आ जाता है, ऐसा कुछ इनका टेल लाइट्स का डिजाइन आता है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, LED स्ट्रिप मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और जो इसकी रिवर्स करने की लाइट है वो आपको नीचे देखने को मिल जाती है दोनों तरफ। इसमें आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, और जो इसकी रियर की स्किट प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलती है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। इसमें आपको 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है अगर आपकी थर्ड रो फोल्ड हो। अगर आपकी थर्ड रो एंगेज है तो इसमें आपको कंपनी की तरफ से ये नहीं कंफर्म करा गया है अभी तक कि अगर आपकी थर्ड रो एंगेज है तो इसमें आपको बूट स्पेस कितना बनता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसमें आपको बूट स्पेस कितना बनता है कि अगर आपकी थर्ड रो एंगेज हो तो आप देख सकते हैं कि मतलब आप एक दो बैग छोटे मोटे आपके आराम से आ सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी थर्ड रो फोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, अब इसमें 460 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है, और यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का पोर्ट भी आता है। और कोई आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है थर्ड रो में, ना ही आपको कोई बूट लाइट देखने को मिलती है। बूट लाइट आपको सिर्फ आगे की तरफ आती है, और कोई आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते। बस आपकी थर्ड रो फोल्ड होने पर 460 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है। कर देते अब हम इसको बंद। अगर स्पेयर टायर की बात करी जाए वो आपको उसके नीचे देखने को मिलता है, जो कि आपको मिलता है स्टील रिम में, छोटे साइज का मिलता है जो कि आपको। कर देते अब इसको बंद। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। डुअल टोन में आपको पूरा इंटीरियर देखने को मिलता है ब्लैक एंड ब्राउन कलर में। अगर डोर की बात करी जाए, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाती है। लॉक एंड अनलॉक करने के लिए चाइल्ड लॉक मिल जाता है। इनसे आप ओरेंज को इसके मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड और अनफोल्ड आपको मैनुअल ही करना होता है। यहाँ पे आपको ब्लैक में डोर है ओपनर मिल जाता है, सिल्वर में डोर हैंडल मिल जाता है, इस तरफ ये वाटर होल्डर मिल जाता है कुछ सामान रखने के लिए, स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे आपको की होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप इसी
की इंसर्ट कर सकते हैं। चारों तरफ आपको एलईडी भी लाइटिंग भी मिल जाती है। यहाँ पे इसके एसी वेंट, हेडलाइट लेदर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ बटन्स नहीं आते। ग्रैब हैंडल आपको इस तरह भी मिल जाता है ताकि चढ़ने में आसानी रहे। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए, इसमें आपको मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है और आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट्स के साथ साथ आपको लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है। जैसे आप इसको हिलाते हैं, मतलब आगे करते हैं या पीछे, जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे फूल के या कम भी हो जाता है, वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं टॉप वेरिएंट से, वही आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। बस एक आध गिने चुने फीचर्स जो हैं वो आपको कम देखने को मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी और इंफोटेनमेंट सिस्टम में। वैसे आपको ऑलमोस्ट सारी सेम देखने को मिलती है, बस आपको थोड़ा बहुत फिनिशिंग का भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे डोर पे हो गया और यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है टॉप वेरिएंट में, बस आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें, यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। इस तरफ इसके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, जैसे वॉल्यूम का हो गया, चैनल्स के हो गए, म्यूट करने के लिए कॉल्स के, वॉइस कमांड के, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस तरफ वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। ये वाले जो कंट्रोल्स आ जाते हैं ये आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, और जो ये वाले कंट्रोल्स हैं आपको एमआईडी के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ से आप इसका लॉक हटा सकते हैं। ये आपको सिर्फ टिल्ट ऑप्शन में मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ से लॉक हटा लगा देते हैं। इस तरफ इसके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, इस तरफ इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल आ जाते हैं। एनालॉग में इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है जिसकी मार्किंग 7 तक है। इस तरफ इसका स्पीडोमीटर आ जाता है जिसकी टॉप स्पीड 220 तक मार्किंग करी गई है। इस तरफ इसकी एमआईडी आ जाती है, यहाँ पे आपको टाइम शो करता है, यहाँ पे टेम्परेचर, ट्रिप ए, कितना डिस्टेंस, टाइम्स, ये सारे रिगार्डिंग इसके पता चलता रहता है। यहाँ पे आपको फ्यूल का पता चल जाता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर पता चलता है, इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे इसके टोटल किलोमीटर, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाती है कौन सा डोर ओपन है उसके रिगार्डिंग पता चल जाता है, सीट बेल्ट का रिमाइंडर आ जाता है, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये डीजल वेरियंट है तो कि इसमें भी आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं, जिप, जैप और जूम मिल जाते हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम इसके बात कर लेते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिगार्डिंग। जो ये एमआईडी आती है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, जो ये वाले कंट्रोल्स है आप इन बटन से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ट्रिप ए मिल रहा है, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन पे डिस्टेंस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है और एवरेज स्पीड देखने को मिल रही है, और आप इसको होल्ड करके ओके को, यहाँ पे ये वाले को होल्ड करके इसको होल्ड करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे भी हम आते हैं इसके नीचे की तरफ आपको ट्रिप बी मिल जाता है, नीचे और आ जाते हैं, यहाँ पे आपको टाइमिंग शो करता है, डे कौन सा है और डेट कौन सी है उसके रिगार्डिंग आपको शो करता है। इसके रिलेटेड आपको ये चीज़ें मिलती है। साइड में जैसे अब हम आते हैं, ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन होगी, फ्यूल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे इस पर क्लिक करते हैं फ्यूल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या है। इसमें आपको रेंज, एवरेज, ये सब चीज़ें शो करेगा। इसके रिगार्डिंग DEF लेवल का भी पता चल जाएगा क्योंकि डीजल कार है, इसमें DEF भी डलता है, इसमें ये भी शो कर रहा है एवरेज स्कोर भी और ये सब चीज़ें। नीचे की तरफ हम और आते हैं, यहाँ पे आपको डिजिटल में स्पीड पता चल जाती है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डिजिटल में स्पीड पता चल जाएगी। यहाँ से बैक हो जाते हैं, नीचे की तरफ व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपको पावर, टॉर्क का ये ग्राफ पता चल जाएगा इसका रिगार्डिंग। यहाँ से भी बैक हो जाते हैं नीचे की तरफ और आप आते हैं साइड में आते हैं, मतलब नेविगेशन मिल जाते हैं। नेविगेट आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसी के अंदर अंदर आपका पूरा नेविगेशन चलेगा। ऐसे नहीं है जैसे 700 में आता है कि फुल स्क्रीन पे आपका नेविगेशन चल जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये जो डिजिटल में आपको ये वाला पार्ट है, सिर्फ आपको यही चीज़ मिलती है डिजिटल में, और ये वाला ये सब चीज़ें आपको एनालॉग में मिलती है। अभी इस वजह से कनेक्टेड नहीं है तो इस यहाँ पे अभी शो भी नहीं कर रहा है। यहाँ से बैक हो जाते हैं, नेविगेशन सेटिंग्स और अलर्ट हिस्ट्री ये सब चीज़ें तो हो चुकी हैं। ऊपर की तरफ जैसे आप सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आप जाते हैं इसके रिलेटेड आपको जैसे AFE, ऑटो रीसेट, पैसेंजर एयरबैग्स को ऑन ऑफ करने के लिए, साउंड्स की सेटिंग मिल जाती है, क्लॉक की टाइप मिल जाते हैं उसके रिगार्डिंग, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए मिल जाते हैं, इतने कुछ आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये होगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिगार्डिंग सारे फीचर्स। इस पे भी हम आते हैं जिप जैप जूम पे, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरफ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि सपोर्ट करता है वायरलेसली एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ रेडियो, और ये इसका होम स्क्रीन है। इसी पे आपको रेडियो, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। साइड में आप आते हैं म्यूजिक, फ़ोन, नेविगेशन और एप्लीकेशन, यहाँ पे ये सब चीज़ें होगी। और चाहे तो आप और भी स्क्रीन ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, ये होम स्क्रीन है, यहाँ से आप नीचे आते हैं इसका म्यूट करने के लिए, यहाँ पे वॉलेट और मोड, हेल्प के लिए वीडियो, आईपॉड्स,
ब्लूटूथ हो गया, यूएसबी होगी, माई ड्राइव, एंड्रॉइड ऑप्ट कारप्ले, रेडियो, यहाँ से वॉल्यूम का, ये सारी रिगार्डिंग आपको मिल जाती है। यहाँ से इसकी प्रोफाइल का विजिट मिल जाता है, टाइम डेट शो सब कुछ चेक कर रहा है। नीचे की तरफ जैसे आप आते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाती है, जैसे कि न्यूज़ अपडेट्स मिल जाती है, इंडिया टुडे की, जोमेटो मिल जाता है, वेदर अपडेट, यूज़र प्रोफाइल के भी आप चेक कर सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कितनी प्रोफाइल बना सकते हैं आप, दो तीन बना सकते हैं पर प्रोफाइल वन, प्रोफाइल टू और गेस्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ से बैक हो जाते हैं तो अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, जस्ट डायल इस टाइप की, और इतने कुछ आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके नीचे आपको ये जो कंट्रोल्स मिलते हैं, ये वाले, ये सारे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के मिलते हैं। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम का हो गया, ये म्यूट करने के लिए हो गया, ये वाला म्यूज़िक का, फ़ोन का, होम पेज का, यहाँ इसका बैक होने के लिए, सेटिंग्स का, फेवरेट्स का, यहाँ पे आपको ट्यूनिंग का भी मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर का मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके मोड्स का मिल जाता है, कौन से मोड में हवा चाहिए, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, सर्कुलेशन का बटन और एसी का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फैन स्पीड को, यहाँ से टेम्परेचर को। इसके नीचे आपको एसओएस का बटन मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हेजल लाइट का बटन देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का, हिल कंट्रोल, और ये बटन आता है ड्राइव मोड्स के अंदर। ड्राइव मोड्स क्या क्या है इसके अंदर है, और जो भी आप ड्राइव मोड सिलेक्ट करते हैं वो आपको सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, जिप, जैप एंड जूम। जिप जैसे अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये जिप, जैप और जूम। इसका जिप मोड आता है जैसे अभी सबसे टॉप पे आ गया जिप मोड, इसका मतलब ये इकोनॉमी मोड है। नीचे की तरफ जैसे इसमें आप कोई सा भी मोड सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी जिप मोड एक्टिवेटेड हो चुका है तो यहाँ पे ब्लूइश सा थोड़ा कलर आ चुका है, तो अब जैसे इस पे आते हैं, इस पे जैप पे भी आपका कलर चेंज हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे रेड कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप जैप मोड एक्टिवेटेड भी आ चुका है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे अब जूम का मतलब आ जाता है, जूम पे आप आते हैं, जूम मोड एक्टिवेटेड आ जाएगा, अब ये जूम मोड एक्टिवेटेड हो चुका है। जो आपका जिप मोड है ये आपका सिटी ड्राइव मोड है, और जो आपका जैप मोड है नॉर्मल ड्राइव मोड है, जूम जो इसका स्पोर्ट्स मोड है। बस महिंद्रा ने इसके नाम चेंज कर रखे, वैसे सेम पर्पस इनका वही रहता है, सिटी ड्राइव मोड और नॉर्मल मोड हो गया और ये स्पोर्ट्स मोड हो गया, पर्पस इनका सेम है, बस आपको ये थोड़ा नाम अलग देखने को मिलता है, बस आपको अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसको आप जूम पे कर देते हैं, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से रेड हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको पता चल जाता रहता है कि पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है, यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है, 6-speed मैनुअल गियर नॉब मिल जाता है, 2 का पोर्ट रश मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट विद सम स्टोरेज, इतनी कुछ इसकी स्टोरेज आती है। यहाँ पे आपको चाहे तो आप इसकी की भी रख सकते हैं, इतनी कुछ स्टोरेज है। और ये आपको फिक्स्ड मिलता है, और इस पर आपको ना ही कोई, ये आपको हार्ड प्लास्टिक से मिलता है, इस पर आपको कोई सॉफ्ट कुशनिंग भी नहीं मिलती है। इस तरफ आपका ग्लव बॉक्स आ जाता है, इतनी कुछ इसकी स्टोरेज है, इतने आप इतना स्टफ रख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी आपको सारी जगह हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। टॉप वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ट्विटर से ऑफर हो जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ इसका सनवाइजर आ जाता है, यहाँ पे आपको ना ही कोई टिकट होल्डर मिलता है, ना ही मिरर, ना ही कोई लाइट देखने को मिलती है। इस तरफ इसका क्या सनग्लास होल्डर आ जाता है, कैंबी लाइट्स इसकी इस तरफ आ जाती है वाइट एलईडी में, वाइट एलईडी में। सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, सनरूफ ओपन कर लेते हैं, ब्लाइंड आपको मैनुअल ही हटाना होता है, छोटी सी सनरूफ आती है। इस तरफ इसका सनवाइजर आ जाता है, इस पर भी आपको ना ही कोई मिरर मिलता है, ना ही कोई लाइट मिलती है। इसको पूरा ओपन करके देख लेते हैं कितनी वाइड ओपनिंग है इसकी, इतनी ही ओपन होती है, काफ़ी डिसेंट सी है, इतनी भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा छोटी है। कर देते हैं अब इसको बंद। इस तरफ इसका मैनुअल डिमिंग एयर वेम आ जाता है, जो कि आपको मैनुअल एडजस्ट करना होता है डे एंड नाइट के अकॉर्डिंगली। यहाँ से अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके देखता हूँ, फिर देखते हैं रियर में कितना स्पेस है। डुअल टोन में आपको पूरा डोर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको सारी जगह हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है, पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, जो डोर ओपनर है आपको ऑल ब्लैक में मिलता है, जो इसका ग्रैब हैंडल है यहाँ पे आपको सिल्वर में मिलता है, यहाँ पे आपको वाटर वाटर होल्डर मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं सेकंड रो में, सेकंड रो में यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, और इसके जो ब्लोअर की स्पीड है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको चेंज करने में। टाइप सी का एक पोर्ट मिल जाता है, और नीचे आपको कुछ स्टोरेज देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और इस पर आपको आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है, ये रहा आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। टोटल आपको 6 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फ्रंट के 2,
मिडल के भी आपको दो मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और रियर में भी आपको दो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। जो ये वाला हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलता है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है बस वो मिलता है। ऊपर की तरफ इसकी कैबिन लाइट्स आ जाती है वाइट LED में, ये डोर पे ऑन है और यहाँ से, और इसी वाली सीट को आप 60-40 रेशो में स्प्लिट कर सकते हैं, 40% और ये 60%। अगर आपको इसके थर्ड रो में जाना है तो आप इस वाली सीट को फोल्ड करके पीछे जा सकते हैं। अभी हम चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं सेकंड रो में कितना स्पेस है, क्योंकि मैंने अभी वाली सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग लिए एडजस्ट कर लिए, फिर देखते हैं अब कितना स्पेस है। अभी मेरी हाइट 5'7" है, आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है, मतलब मैं काफ़ी कंफर्टेबली होकर आराम से बैठ सकता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो मिडल वाली सीट है ये आप अपने आगे पीछे नहीं कर सकते, बट आप इसको रिक्लाइन ज़रूर कर सकते हैं इस वाली सीट को। अब हम चलते हैं इसके थर्ड रो में, अब हम आ चुके हैं इसके थर्ड रो में। थर्ड रो में स्पेस के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, थर्ड रो में आपको मिल क्या क्या जाता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइड में आप आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं, ना नीचे मिलता है, यहाँ पे आपको छोटा सा यूनिट कुछ रखने के लिए मिल जाता है, बड़ा सा ग्लास देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है ऊपर की तरफ, इस तरफ भी आपको कुछ यहाँ पे छोटा सा सामान और यहाँ पे बड़ा सा ग्लास और ग्रैब हैंडल मिल जाता है। थर्ड रो में ना ही आपको कोई AC वेंट देखने को मिलता है, ना ही आपको कोई चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको एक ग्लास दे दिया गया है, वो आप चाहे बाहर देखते रहो या कुछ देखते रहो। अब मैं अपना जनरल रिव्यू बताता हूँ, मेरी हाइट 5'7" है, इस वाली रो को आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर सकते, तो मैं सही बताऊँ स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, मेरे लेग भी बिल्कुल टच हो रहे हैं, हेडरूम डिसेंट सा है, मेरे हेड वो भी बिल्कुल टच होने को बिल्कुल भी नहीं है, पर लेग रूम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, इतनी हाइट का एडल्ट कोई बंदा जाता है तो उसको सफोकेशन हद से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ना ही इसमें आपको कोई AC वेंट देखने को मिलता है ताकि हवा तो आती रहे एटलीस्ट पीछे तक, वो भी नहीं दिया गया इसमें बिल्कुल भी, और बाहर देखने से ग्लास देखने को मिल जाता है, वो उससे क्या ही होता है, जब हवा ही नहीं आ रही तो पीछे तक क्या करेगा, और स्पेस इतना ज़्यादा कम है हद से ज़्यादा, मेरे बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में, इसमें आपको 2200cc का 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 172 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क 400 Nm की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरियंट है डीजल मैनुअल में, इसका एक्सशोरूम प्राइस है 16,60,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस है 19,60,000 रुपए। ये तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 का रिव्यू, आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।